फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके चार्ट पर एक शानदार ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, तो इस वजह से जो छोटे निवेशक हैं, जो लोग पेनी स्टॉक के दीवाने हैं, उनका रुझान स्टॉक के प्रति बढ़ा है। तो नए लोगों के लिए इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, साथ में जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्होंने प्रॉफिट बुक किया या नहीं और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं, इन सब मुद्दों को भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करेंगे। एक दिन में देखेंगे तकरीबन 4% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आना जरूरी भी है, वो आ रहा है। काम के बारे में आपको पता है, ग्लोब टेक्सटाइल्स जो कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट में ट्रेडिंग का क्या मतलब है, ट्रेडिंग का यह मतलब है टेक्सटाइल प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, साथ में उसकी खरीद फरोख्त भी करती है और उसको सप्लाई भी करती है, तो ट्रेडिंग का यही मतलब होता है। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पर। काम के मतलब से यदि देखें जो कंपनी का फ्यूचर है वो काफ़ी बढ़िया है। अब फंडामेंटल पर आते हैं। देखिए 55 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। मार्केट कैप पिछले कुछ दिनों में आपको बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ दिनों में जब से ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद बढ़ा है, और शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू के आसपास है, जो कि ठीक है। बुक वैल्यू से शेयर प्राइस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो निगेटिव में नहीं है, और शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर आपको 8.5% से ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में तकरीबन 8% रिटर्न देने का दमखम रखती है। तो ये ओवरऑल यदि फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब चलिए सीधे चलते हैं हम लोग चार्ट पर, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो चार्ट के माध्यम से ही होता है। तो अभी आपके सामने 1 साल का चार्ट यहाँ पर ओपन है, और 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे कि तकरीबन मार्च से इस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन आने के बाद एक रेंज बाउंड में चला गया था, और रेंज बाउंड क्या था, ये 3 रुपये से लेकर नीचे 2.5 रुपये, इसी के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस मार्च से लेकर अभी तक आपको घूमते हुए दिख रहा था। लेकिन अभी क्या है, सितंबर में जबरदस्त ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, और सीधे ये अपने ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस मान सकते हैं 3.5 रुपये के आसपास, इसके भी ऊपर निकल गया था, यहाँ पर 4 रुपये के करीब जाने ही वाला था, लेकिन बीच में ही, क्योंकि कल के दिन आपने देखा होगा मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। हालांकि ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, आ सकता है यही अपने 3.5 रुपये के लेवल तक, और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट मार्केट प्राइस ऊपर उठेगा, क्योंकि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे तकरीबन 5.5 रुपये के आसपास। तो अभी जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है वो बने रहिए, बाकी कुछ नए लोग यदि इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये अभी रिट्रेसमेंट मारने के लिए आ सकता है 3.5 रुपये के लेवल तक, तो 3.5 रुपये तक आने का वेट कीजिए। यहाँ तक जैसे आता है थोड़ी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, और फिर जब यहाँ से रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर उठेगा तो जहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग करने चाहे यहाँ पर पहले सबसे पहले आप 4.5 रुपये के लेवल तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है। इसको ब्रेक करता है तो प्राइस और ऊपर 5.5 रुपये और 6 रुपये तक के लेवल, जो कि 6 रुपये का लेवल इस कंपनी का साल भर का हाई भी है, वहाँ तक ये आपको जाते हुए दिख सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से तो ये पता चलता है कि अभी भी इस स्टॉक में मजबूती बना हुआ है, ये प्राइस सभी इस कंपनी का शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। और इसके साथ यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लें, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से ये पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है कि नहीं, तो क्वार्टरली रिजल्ट पर अभी आ गए हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी का सेल्स पिछले कुछ दिनों में बढ़ते हुए दिखा है कि नहीं। तो देखिए अभी जून क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे आ गया, जून क्वार्टर में देखेंगे कंपनी का जो सेल्स हुआ है वो बढ़कर 128 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में 110 करोड़ था, उसके पहले 74 करोड़ था, यानी कि सेल्स लगातार बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कमाई बढ़ेगी तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही। इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखेंगे आप यहाँ पर है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बढ़कर भी 1.40 करोड़ हुआ, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 76 लाख था, उसके पहले 48 लाख था, यानी कि सेल्स बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है सेल्स बढ़ेगा, कंपनी की कमाई बढ़ेगी तो कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ेगी, यानी कह सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल ग्लोब टेक्सटाइल्स एक शानदार कंपनी बन रही है, बनते हुए उभर रही है, और जैसे मैंने बताया कंपनी जो काम करती है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार काम है, तो उसके लिहाज से भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आगे बनेगी और बने रहने के चांसेज हैं। उम्मीद करता हूँ उसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आपको समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पूछेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और यदि ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो मैं रिकमेंड करूँगा आप MS Stockman में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।